अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर तो बैठाया है, आपकी मर्जी से गवर्नर जा नहीं सकता, गवर्नर तो रहेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वेदर यू लाइक और नॉट। वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होके रिटायर हो गया, ऐसा समझ लो। गवर्नर को इस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए आपके सामने, ये ठीक नहीं। खैर ठीक है, आई एम ए गवर्नर, मैं उनके बराबरी तो कर नहीं सकता, मेरे को मेरी डिग्निटी मेंटेन करनी है, आई हैव माई ओन लिमिटेशंस। वो लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, उसके बराबर मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरा हेलीकॉप्टर मैंने दिया और मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, दीज आर द अटरेंसेज ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। बट नाउ आई डिक्लेयर, मैं जब तक पंजाब में हूं, पंजाब गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कभी लाइफ में यूज नहीं करूंगा, ये बजट तय है। मेरी गाड़ी से मेरा जैसे जाता हूँ, मेरी सिंपल लिविंग है, आई विल मैनेज विद दैट कम व्हाट। एक मुख्यमंत्री जी की एक गरिमा होती है, उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। हमने टीवी में भी देखा और आपके अखबारों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली है, वो बहुत मेरा मजाक उड़ाया विधानसभा में। और वो कहते हैं कि बहुत लव लेटर लिख रहे हैं गवर्नर, वर्ड यूज इज लव लेटर। ये वर्ड एक गवर्नर के बारे में एक भी पॉइंट आई चैलेंज कि गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के वर्किंग में कहीं इंटरफियर करा। हाँ इतना जरूर है कि एक मिनिस्टर है, टेंटेड है, गलत काम किया, थू हो रही है पूरे पंजाब में, इसको निकालो ये बोलना गुना है, ये इंटरफेरेंस है। और नहीं निकाला तो मैं क्या कर लिया, अभी भी नहीं निकाल रहे आप, मत निकालो। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर तो बैठाया है, आपकी मर्जी से गवर्नर जा नहीं सकता, गवर्नर तो रहेगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, वेदर यू लाइक और नॉट। वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, मैं उसका हेडमास्टर होके रिटायर हो गया, ऐसा समझ लो। मेरे को क्या, मेरे पे कोई असर नहीं होता, बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ एवरीबडी, मेरा पब्लिक लाइफ है पूरा, ऐसा मेरी खिल्ली उड़ाना। अब जो वर्ड यूज किए हैं, बिकॉज ही हैज यूज दोज वर्ड्स इन द असेंबली, ही हैज गॉट द प्रोटेक्शन, आई कैन डू एनीथिंग।
बाहर यदि बोले देन ही विल हैव टू फेस देम मंजू, जो भी कायदे से होगा कार्रवाई होगी, ये बात भी निश्चित है। माई लीगल टीम इज देयर टू टेक केयर ऑफ द केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी।